मारवाड़ी में डी आप देख रहे हैं। आज है 2 दिसंबर 2023 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि मार्ग शीर्ष माह की पंचमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। चुनाव के बाद और महीने के पहले ही दिन महंगाई का बड़ा झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में अब 21 रुपए महंगा होकर 19 किलो वाला सिलेंडर 1796.50 रुपए हो गया है। वहीं जयपुर में यह सिलेंडर अब 1819 रुपए का हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है, हम जो रसोई में यूज करते हैं 14.2 केजी वाला घरेलू गैस सिलेंडर, इसके दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, मिजोरम विधानसभा चुनाव रिजल्ट की तारीख बदल दी गई है। चुनाव आयोग ने 1 दिसंबर को बताया कि रविवार 3 दिसंबर की जगह सोमवार 4 दिसंबर को मिजोरम में वोटों की गिनती होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मिजोरम के लोगों के लिए रविवार का विशेष महत्व है, इस कारण तारीख में बदलाव किया गया है। बाकी राज्यों में वोटों की गिनती 3 को ही होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर, 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में वोटिंग की प्रक्रिया 30 नवंबर को पूरी हो गई है। कल यानी कि 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल और उसके आधार पर पोल ऑफ पोल्स आ गए हैं। अच्छा, आपको बता दूं ये पोल ऑफ पोल क्या होते हैं। देखिए, अभी 5 राज्यों में 8 प्रमुख न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए थे। इन सबको मिलाकर पोल ऑफ पोल्स का हिसाब लगाया जाता है। इस हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश में भाजपा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है। मिजोरम में हंग असेंबली के आसार है, यानी इस लिहाज से 5 में से 2 राज्यों में भाजपा और 2 में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। वैसे राजस्थान की बात करें तो भाजपा को 102, कांग्रेस को 86 और अन्य के खातों में 11 सीटें जाने का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 11 दिसंबर को अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित होगी, परीक्षाएं 23 दिसंबर तक चलेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, RBSE ने कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। माध्यमिक और हायर सेकेंडरी दोनों के लिए राजस्थान बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। हालांकि अब तक विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। RBSE कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा तिथि पत्र 2024 आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, CBSE बोर्ड एग्जाम का ग्रेडिंग सिस्टम भी बदल दिया गया है। अब 10वीं 12वीं की मार्कशीट पर परसेंटेज नहीं लिखे जाएंगे, अब परसेंटेज मार्क्स की जगह CGPA यानी कि क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट लिखा जाएगा। इसके अलावा रिजल्ट के साथ ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन और डिस्ट्रिक्शन भी जारी नहीं की जाएगी। वैसे 10वीं बोर्ड के एग्जाम 15 फरवरी और 12वीं के एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, 4 महीने पहले पाकिस्तान गई अंजू 29 नवंबर को अटारी बॉर्डर से भारत लौट चुकी है। अंजू ने भारत लौटने पर कहा कि वह पाकिस्तान में खुश है। अंजू के वापस आने के बाद BSF कैंप में पंजाब की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उससे पूछताछ भी की। अब अंजू के पति अरविंद की ओर से भिवाड़ी के फूलबाग थाने में दर्ज कराए गए मामले में पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है। दरअसल पति अरविंद ने अंजू पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। अंजू गुरुवार रात को पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची है। दिल्ली से वह सड़क मार्ग से सोनीपत के लिए गई है। सोनीपत में वह किसके यहां ठहरी है और वहां उसका क्या रिश्ता है, इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। देखना होगा अंजू अपने पहले पति और बच्चों से मिलती है या नहीं। हालांकि बताया जा रहा है कि अंजू के बच्चे राजस्थान में उससे मुलाकात करने से इनकार करते नजर आ रहे हैं। वहीं देखिए जयपुर से एक और बड़ी खबर, शादी के 7 दिन बाद ही एक दुल्हन घर से गहने और केस लेकर फरार हो गई। पीहर जाने के बहाने महिला घर से निकली, इसके बाद वापस नहीं लौटी। बगरू थाने में गुरुवार को पीड़ित दुल्हन ने दुल्हन और उसकी गैंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि किसी बिचौलिए ने उसकी शादी करवाई थी और एवज में 3 लाख रुपए की भी मांग रखी थी। शादी होने पर आरोपियों को 3 लाख रुपए भी दे दिए, लेकिन 7 दिनों के बाद ही दुल्हन फरार हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अच्छा देखिए बड़ी खबर, दिसंबर में राजनीति से लेकर खेल जगत तक हलचल
चल रहेगी। दिसंबर के महीने में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे तो आएंगे ही, साथ ही में इसी महीने क्रिकेट के 2 बड़े इवेंट होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम 10 दिसंबर को साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी, वहीं 19 दिसंबर को अगले साल होने वाले IPL की भी नीलामी होगी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। अभी भी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई जिलों में हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन जयपुर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर समेत कई जिलों में कोहरा छाया रहने का अनुमान है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पूर्वी राजस्थान यानी कि कोटा संभाग में अभी भी बारिश के आसार है और राज्य में 1-2 दिन में मौसम पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और तापमान में बड़ी गिरावट होने से सर्दी तेज होगी। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज के 4थे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हरा दिया है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 154 रन ही बना सकी। टीम इंडिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-1 की बढ़त बना ली है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।